हिमाचल प्रदेश के मनाली और ऊपर की घाटियों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है, जिससे ब्यास नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल की पहाड़ियों पर एक बार फिर घने बादल छाए हैं। ब्यास नदी एक बार फिर से उफान पर है। बादल फटने की आशंका से मनाली की क्लाथ घाटी में लोग डरे हुए हैं। हालत ये है कि महिलाएं बच्चों को लेकर घर में रहती हैं और पुरुष व्यास नदी के आसपास तैनात कर दिए गए हैं ताकि वो नदी पर निगरानी रखें। महिलाएं तो बच्चों को लेकर घर पे बैठती पर पुरुष जागते रहते हैं ये देखने के लिए कि नदी कहीं ऊपर ना आ रही हो। सब कुछ बह गया, घर भी, मेरी खुद की शॉप थी एक वो भी बह गई, घर का पूरा सामान ज्वेलरी वगैरह सब कुछ, खुद जान बच गई, बस यही काफी है, बाकी तो सब कुछ बह गया। हाँ जी, हमारा घर बह गया जी, जो सामान था बाहर निकाल दिया हमने, कोटजी में रखा था हमने, आटा चावल दाल ये सब कुछ बह गई है। जो लगाए वो कपड़े बच्चे वो कुछ लगाने के लिए भी नहीं है, बिस्तरा बस। कैसे कैसे जिंदगी काट रहे हैं लोगों घर में रह रहे जी। इधर हल्द्वानी में खैराना के पास चकतसई पुल के पास मलबा और बुलडोजर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। कल देर रात बुलडोजर और मलबा गिरा, जिसे नैनीताल पुलिस ने देर शाम तक हटा दिया। उसके बाद यातायात सामान्य हुआ।